दरियाबंद के फ्लोराइड प्रभावित गांवों से राहत भरी खबर सामने आई है। देवभोग इलाके के इन सभी गांवों में संचालित 40 स्कूलों में शुद्ध पानी के लिए रिमूवल प्लांट लगाए जा रहे हैं। 30 से ज़्यादा स्कूलों में प्लांट लग चुके हैं, जहां स्कूली बच्चों को साफ पानी पीने को मिल रहा है। तो बाकी में इस माह के अंत तक लगाने का दावा पीएचआई विभाग ने किया है। बता दें कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से बच्चों में दांत और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैल रही थी। 2018 में देवभोग ब्लॉक के स्कूलों में पानी की उपलब्ध कराने वाले 72 हैंडपंप की जांच की गई थी। जांच में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की बात सामने आई थी। उसके बाद इसके समाधान को लेकर लंबी कवायद चली और अब स्कूलों में सोलर संचालित रिमूवल प्लांट लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। जो अफेक्टेड ट्यूबवेल है उसका लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल एनएबीएल एफिलिएटेड है। फ्लोराइड प्रभावित स्कूल और वो बसाहतों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत तत्कालिक रूप से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट 40 नग हमारे प्रगति पर है और उसमें अधिकांश पूर्णता की स्थिति में है। जो अन्य फ्लोराइड अफेक्टेड सोर्स हमको प्राप्त होता है उस पर हम कंफर्मेशन टेस्ट के पश्चात